दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो पे आज हम बात कर रहे हैं मेरे अपने गिटार रिकॉर्डिंग सीक्रेट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला सीक्रेट है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं हमेशा अपने कॉर्ड्स को तैयार रखता हूं, मैं अपने सेक्शंस को मार्क करता हूं, और इससे मुझे आसानी होती है समझने में कि कौन सा सेक्शन कहां पे आ रहा है। दूसरा है, मैं हमेशा अपने स्ट्रक्चर को तैयार रखता हूं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये मेरा स्ट्रक्चर है। मैंने एक सिंपल से पियानो का इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्रक्चर को तैयार किया है, और मैंने इंडिविजुअल कॉर्ड्स को मार्क किया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मदद होती है जब मैं गिटार ट्रैक कर रहा होता हूँ। तो मुझे बार बार गाने के कॉर्ड्स को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसको एज अ कॉर्ड ट्रैक मान के चल सकता हूँ। और अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ कॉर्ड्स हैं, पियानो कॉर्ड्स हैं, जिनको मैंने स्प्लिट करके सिर्फ इनके मीडी रीजन्स को नेम किया है उस कॉर्ड के नेम से। तो चलिए इस पर थोड़े गिटार्स रिकॉर्ड करते हैं। तो पॉइंट नंबर टू है कि आपको हर गिटार दो बार रिकॉर्ड करना है। अगर आप सोच रहे हैं मैं इसको लेफ्ट एंड राइट पैन करने वाला हूं, तो जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं लेफ्ट एंड राइट पैन नहीं करने वाला हूं, ये मैं एज अ सेफ्टी टेक रख रहा हूं। यानी कि ये मेरा सिंगल गिटार की तरह ही ट्रीट होगा, इसको मैं एज अ सिंगल गिटार ही देखूंगा। सिर्फ मैंने दो बार इनके रिकॉर्डिंग्स किए हैं इन ऑर्डर कि मेरे पास एक सेफ्टी टेक हो, जब भी अगर कल मुझे वापस किसी जगह पे आना पड़े। तो ये हमारा पहला सेक्शन है। ये हमारा दूसरा सेक्शन। और ये हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन। तो इस पे मैं एक दूसरा गिटार रिकॉर्ड करता हूं, फिर मैं आपको तीसरा पॉइंट समझाता हूं। पॉइंट नंबर थ्री है कि आपको लेफ्ट एंड राइट पे अलग चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर आप सेम चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, एटलीस्ट मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अलग चीज़ें रिकॉर्ड करूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये सुनते हैं। तो मैंने सेकेंड गिटार जो रिकॉर्ड किया उसका पहले सेक्शन को अगर हम सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और इसको अगर हम पुराने सेक्शन के साथ सुने और सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं सेम चीज को लेफ्ट एंड राइट पे चलाने वाला हूं, ताकि आपको समझ आए कि डिफरेंस क्या होता है। तो यह है दोनों सेम चीजें लेफ्ट एंड राइट पर। इसका अगला जो सेक्शन है उसको भी मैंने सेम किया है, मैंने लेफ्ट और राइट पे दूसरी अलग अलग चीजें की हैं, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और जो हमारा फाइनल स्ट्रम है वहां पे मैंने सेम स्ट्रम्स ही रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इसके ऊपर हम और चीजें करेंगे तब शायद ये ज्यादा सेंस बनाएगा, लेकिन अभी के लिए स्ट्रम्स कुछ ऐसी साउंड करती हैं। तो इसके ऊपर मैं अपने आइबनेस बेबी को रिकॉर्ड करता हूं और फिर बाकी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वहां पे मैंने बेबी रिकॉर्ड नहीं किया है, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। दूसरे सेक्शन पे मैंने एक बेबी का इंट्रोड्यूस किया है, एक बेबी का लेयर है, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और तीसरा जो फाइनल सेक्शन है हमारा कोरस, वहां पे मैंने सबसे ज्यादा बेबी का इस्तेमाल किया है। मैंने दो सेक्शंस बेबी के यहां पे रिकॉर्ड किए हैं, और ये कुछ ऐसे साउंड करते हैं सिर्फ अगर बेबी को हम सुने। तो ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन, और ये है हमारा सेकंड बेबी का सेक्शन। और इसको अगर हम पूरे कॉर्ड्स के साथ सुने
तो जिस चीज को मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो है डायनामिक्स। तो अगर आप इस पहले सेक्शन को सुने तो यहाँ पे कॉर्ड जो है या फिर नोट जो है वो काफी कम इस्तेमाल हुए हैं। साथ में जो लोअर रजिस्टर है यानी कि हमारा जो गाने का हाई सेक्शन है मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेन कर रहा हूँ कि हमारा मिड का सेक्शन रहे और हम हाइस को बाद में कोरस पे खोले। तो यहाँ पे अगर आप सुने तो काफी कम नोट्स यूज हुए हैं, साथ में हमारे हाइस इतने ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। सेकेंड सेक्शन पे हमारा एक थोड़ा सा हाई सेक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन तब भी अगर आप इन लेयर्स को देखें यहाँ पे तीन लेयर्स हैं और मैंने थोड़ा सा दोबारा कंटेन किया है, मैंने सारे ट्रिक्स अपने सारे डायनामिक्स मैंने नहीं खोले हैं। थोड़ा सा हमारा हाई इंट्रोड्यूस हो रहा है इस बेबी की वजह से। साथ में अगर आप ध्यान दें तो नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द फर्स्ट सेक्शन। और जो आखिरी का सेक्शन है वहाँ पे हमने पूरे डायनामिक्स खोल दिए, यानी कि हमारे गिटार के पूरे स्ट्रम्स हमने खोल दिए हैं। साथ में हमने जो बेबी के हाइज हैं बिल्कुल हाइज हमने खोल दिए हैं, इससे हमारा स्पेक्ट्रम फुल हो जाता है और हमारा डायनामिक्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि ये मेरा फाइनल सेशन नहीं है। मैं यूजुअली गिटार्स को दो बार रिकॉर्ड करता हूँ, यानी कि एक मैं प्रोडक्शन के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, अभी जो है अभी सिर्फ मैं आइडियाज़ गैदर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेस्ट रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार मेरे आइडियाज़ फाइनलाइज्ड हो गए फिर जाके मैं तरीके से माइकिंग करके तरीके से सारी चीज़ें सेट करके करेक्ट टोन के लिए रिकॉर्ड करूंगा। अभी मैं आइडियाज़ कैप्चर कर रहा हूँ तभी मैं टोन और रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो ये था मेरा वीडियो मेरे सीक्रेट्स के बारे में, किस तरीके से मैं अपने गिटार्स रिकॉर्ड करता हूँ। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।